तो इंट्रोडक्शन दे रहा था, कभी भी भूत चल जाते हैं। हम एक दूसरे की तारीफ करते रहे। मैं तो अगर ये नहीं करती तो मैं इनके घर पे पहुंच जाता। ये दिवाली भूल भुलैया वाली। डर गए? अच्छे से तो इंट्रोडक्शन दे रहा था, कभी भी भूत चढ़ जाते हैं। ये भूल ले, वन में स्प्लिट थी ना, कभी थ्री में भी ऐसा हो जाता है, प्रमोशन में हो रहा वाला। क्या खास है, ये फैमिली एंटरटेनर है। मुझे लगता है कि ऐसे मौके पे ना, जैसे दिवाली है, कोई भी फेस्टिवल हो, स्पेशली दिवाली सबसे बड़ी छुट्टी होती है यहाँ, तो फैमिली साथ में कुछ करना चाहते हैं, घूमते हैं, फिल्म देखने जाते हैं। और जब ऐसी फिल्म हो जहाँ सब देख सकते हैं साथ में, कॉमेडी भी है, हॉरर भी है, रोमांस भी है, गाने अच्छे हैं, तो आई थिंक वो जो भेलपुरी या जैसे इंडियंस के लिए जो भेलपुरी होता है ना, उसमें सब कुछ होता है। हाँ, मिर्च भी, मिठास भी। मैं जो जो वर्ड्स बोल रहा हूँ वो यूज ही नहीं कर रही हो। भेलपुरी, हाँ, भेलपुरी है। हॉटपॉट वो है, देखा? जैसे मुंह में मेरे पानी आ गया। उस तरह का एक्सपीरियंस होगा, है? करेक्ट करेक्ट है। मैंने नहीं छुए थे पाओ, नहीं छुए थे पाओ। मैं इनको छेड़ रहा था जानबूझ के। अरे इनके पाओ चेक कर रहा था, उल्टे हैं या सीधे। ये स्टेज पे उल्टे पाओ खड़ी थी। हाँ, क्योंकि तो मैंने ना अपनी अपने जूते उतार दिए थे और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। पहली बार स्टेज पे मैं बिना जूते के खड़ी थी, तो मैं कुछ ट्राई कर रही थी और सबने देखा हो ये ट्राई, रेड कार्पेट से निकल रहे थे तो चेक कर रहा था। अरे पैर फिर से, तो सबको लगा मैं पैर छू रहा था। इतनी इज्जत, बदमाश बहुत है। जब मुझे फिल्म ऑफर हुई तो पता था कि हम आमी जे तुम्हार फिर से करेंगे, तो अनीस भाई भी सोच रहे थे, भूषण भी सोच रहे थे कि इसको और बड़ा कैसा कैसे बनाया जाए। और फिर जब ऑफकोर्स माधुरी जी ने हाँ करी फिल्म के लिए, तो उनके जहन में ही आया कि ये फेस ऑफ क्यों नहीं करते, और एक्चुअली सिचुएशन पे सही बैठ रहा था। तो फिर उन्होंने कहा, मुझसे आकर कहा कि आप करेंगी अभी ये फेस ऑफ करते हैं। मैंने कहा, क्या बात कर रहे हो, इनके साथ फेस ऑफ कैसे करूंगी मैं। पर फिर मैंने ठाना कि मैं कर लेती हूँ। कैसे, इतने कितने ऐसे मौके आते हैं लाइफ में, तो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की है और मुझे बड़ा मजा आया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड शी वॉज वेरी स्वीट अबाउट इट। उनको पता था कि कोई भी उनके सामने पानी पानी हो जाता होगा, मैं फिर भी, मैं, मुझे लगता है मैंने उनको ज्यादा दिखाया नहीं कि मैं नर्वस हूँ। पर मैंने मेहनत की और आई थिंक गाना बहुत अच्छे से पिक्चराइज हुआ है, यू नो, जैसे आपने ब्यूटीफुल है। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं तो फैन हूँ, मैं तो अगर ये नहीं करती तो मैं इनके घर पे पहुंच जाता कि प्लीज आप ये फेस ऑफ कीजिए, डांस कीजिए, बिकॉज मैं इनके भी डांस का फैन हूँ और माधुरी जी तो ऑफकोर्स उनके डांस के सब फैंस हैं। तो ये एक मौका था और ये आइकॉनिक मोमेंट था, जो जेन्युइनली जैसे बोल रही हैं, ये मौके बार बार नहीं आते। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि इनके एक्सपीरियंस के लिए, हमारे एक्सपीरियंस के लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड व्हाट शी हैज़ डन स्पेशली, मतलब मैं इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि माधुरी जी हैं, बट उनके सामने खड़ा होना और उनके सामने ऐसे डांस करना, परफॉर्म करना, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो वो ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। एंड जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है, इट्स अनरियल, अनबिलीवेबल। तो मतलब मैं तो फैन बॉय की तरह वहाँ पे सेट पे आता था देखने के लिए कि ये दोनों परफॉर्म कर रहे हैं साथ में। एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। वो हम एक दूसरे की तारीफ करते रहे। नहीं, कार्तिक का काम तो अच्छा है, सबको पता है, और इसीलिए वो इतना ज्यादा प्यार बटोर रहा है। तो यू नो, या आई थिंक इट्स सो वंडरफुल। पर मैंने जो इस फिल्म में नोटिस किया ना, क्योंकि पहली बार हम साथ काम कर रहे हैं, कि कार्तिक फिल्म को बिगर और बेटर बनाने की कोशिश में लगा रहता है, जो बहुत बड़ी बात है। वो इवन आप देख लो, छोटी से छोटी बात कि सोशल मीडिया पे कुछ करके, पर और ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ पैंतरे कर रहे हैं, पर कार्तिक को वो सेंस है।
तो आई थिंक एंड ही इज यूजिंग दैट ब्यूटिफुली. और हर वो आई थिंक प्री प्रोडक्शन से लेके फिल्म के दौरान और फिर प्रमोशंस के वक्त हर हर चीज में वो बहुत इन्वॉल्व है. वो मेरे लिए बहुत ताज्जुब की बात है कि अच्छा किसी को हर चीज में इतना इंटरेस्ट हो सकता है, यू नो. और सिर्फ इंटरेस्ट होना एक बात है, पर ही इज एक्चुअली एडिंग वैल्यू. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. नो बट जेन्युइनली, सो आई थिंक इट्स अमेजिंग.